अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी आगे की वीडियोस को भी देख सकें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमारी जो रेसिपी है वो है पकौड़े। पकौड़े बरसात के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं, और आज मैं प्याज के ही दो टाइप के पकौड़े बनाऊंगी। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, वो मैंने आधी कटोरी लिया, और उसमें मैंने पानी मिलाया और उसके बैटर को थोड़ा सा थिक रखा। अब इसके अंदर मैं ये अदरक है उसको मैं घिस के इसके अंदर डाल रही हूँ। अदरक हमने एक इंच का टुकड़ा लिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर अपने कुछ स्पाइसेस भी डालूंगी। बट उससे पहले मैं इसके अंदर हरी मिर्च को डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैंने डेढ़ हरी मिर्च ली है, 1.5 हरी मिर्च ली है, और 1.5 हरी मिर्च मैं दूसरा बैटर बनाऊंगी एक ऑन प्याज के पकौड़ों के लिए। ये मैं एक बैटर बना रही हूँ प्याज के पकौड़ों के लिए, जो दूसरे टाइप के बनाऊंगी उसके लिए अलग बैटर होगा। तो इसमें देखिए मैं जो नॉर्मल स्पाइसेस डालती हैं, नमक, हल्दी, हरी धनिया, मिर्च और चाट मसाला, ये सब चीज़ें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डाला है, और जो जीरा पाउडर वो डाला है, बट कसूरी मेथी डाली है, और इसमें मैंने एक चीज़ और डाली है जो है मीठा सोडा खाने का, वो मैंने बहुत पिंच डाला है, वो इसलिए ताकि जो पकौड़े हैं बहुत सॉफ्ट बने और ज़्यादा हार्ड ना हो। अब देखिए मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे बहुत अच्छा एक मिक्स दूँगी, और अच्छे मसाले से मसालों को अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और मैंने जो साइड में आप ये प्याज देख रहे हैं, ये प्याज मैंने दूसरी तरह के जो पकौड़े प्याज के बनाने हैं उसके लिए रखे हैं। और ये जो मैं बैटर घोल रही हूँ, इसमें मैं प्याज के कैसे पकौड़े बनाऊँगी आप देखते जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक प्याज के लिए, और इन प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया। ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है प्याज के पकौड़ों को बनाने का, लोग ऐसे ही लंबा लंबा काट के इसको प्याज को बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने सिर्फ प्याज डाला, कोई नमक नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन डालूँगी, फिर मैं इसके अंदर फिर वही स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जो मैंने उस बैटर के अंदर स्पाइसेस ऐड करी हैं सारी की सारी, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बट मैं इसमें एक चीज़ और करती हूँ जो इसकी फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस करती है। आप लोग इसे पानी से गूँधते हैं, मैं भी इसे पानी से गूँधूँगी नो डाउट, बट पानी के साथ साथ मैं इसे एक और चीज़ है जो इसमें डालने से इसके फ्लेवर को और बढ़िया कर देगी। मैंने एक तरफ जो हमारी कढ़ाई है उसको चढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, इन सब मैटर को तैयार करने से पहले कढ़ाई को गर्म तेल के लिए रख दीजिए। अब देखिए मैंने इसके अंदर बहुत गर्म तेल जो है वो इसके अंदर डाला है, और प्लीज़ इसे चम्मच से मिलाइएगा, आपके हाथ में नहीं लगना चाहिए क्योंकि तेल बहुत गर्म है। और मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च ही तेल डालने के बाद डाला है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर हमें आता है वो थोड़ा सा टैंगी सा अच्छा रहे। मैं इसे पहले भी डाल सकती थी, पर मैंने इसे बाद में डाला है। अब उसके बाद हमने इसे मिक्स कर लिया, देखिए ये थोड़ा बाइंड हो गया, मैं इसे और बाइंड करूँगी, बट इसके लिए थोड़ी देर मैं इसको रेस्ट करने दूँगी। तब तक मैं दूसरे जो प्याज के पकौड़े काटने हैं उनके लिए वो करूँगी। देखिए मैं इसमें प्याज को गोल गोल काटती हूँ, जैसे आप सैलेड में प्रिपरेशन करते हैं सैलेड के लिए, तो आप क्या करते हैं आप उसे काटते हैं गोल गोल, तो मैंने वैसे ही किया। और अब मैंने उनको प्याज को गोल गोल काट के रख लिया, और मैं जो यहाँ है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गाढ़ा सा बैटर बना लूँगी। बस अब क्या करना है, जो हमारे पकौड़े हैं वो तैयार हैं, और हम इसे गर्म तेल के अंदर छोटे छोटे बैचेस के अंदर तल लेंगे, और उसके बाद जो पकौड़े बनते हैं दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसकी क्रिस्पीनेस और बढ़ जाएगी, बट सूजी के साथ आपको इसको 15 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट करने देना होगा। मैंने इसे बिना सूजी के ही अभी बनाया है, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये प्याज के पकौड़े, क्योंकि ये बहुत कॉमन से हैं, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। प्याज हमेशा आपकी जो पैरेट्री है किचन की उसमें रहता ही रहता है। तो देखिए जो दूसरे थे वो भी मैंने उस डिप वाले मटेरियल के अंदर जो ऑनियन वाले रिंग्स हैं उनको बस एक डिप करके इसको डाल दिया, और यकीन माने दोस्तों वो प्याज के जो हमारे पुराने हम तरीके से वो पकौड़े खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर मुझे ये रिंग्स वाले पकौड़े लगते हैं, जो बहुत टेस्टी होते हैं। उसमें जो प्याज है उसका जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है, और ये बस इनको आप थोड़ा सा ही भूनिए, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और उसके बाद ये इतने टेस्टी होते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।